हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सर्कुलर स्टील वाटर टैंक। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये प्रॉब्लम्स आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ प्रॉब्लम इस प्रकार है, एन एलिवेटेड सिलेंड्रिकल टैंक इज टू बी डिजाइंड फॉर 250 किलोलीटर कैपेसिटी। द टैंक हैज कॉनिकल रूफ एंड सस्पेंडेड हेमिस्फेरिकल बॉटम। डिजाइंड द टैंक फॉर थिकनेस ऑफ प्लेट। ये बोल रहा है डिजाइन करने के लिए थिकनेस ऑफ प्लेट ऑफ सिलेंड्रिकल एंड हेमिस्फेरिकल पोर्शन। यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ऐसा टैंक डिजाइन करना है आपको जिसका बॉटम हेमिस्फेरिकल हो और सिलेंड्रिकल से वो जुड़ा हुआ हो। उसके बाद ये बोल रहा है कि आल्सो डिजाइन द कनेक्शन। इसके कनेक्शन को भी डिजाइन करना है अपने को। टेक FY इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm². तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं कि इस टाइप के प्रॉब्लम को अपन किस किस स्टेप में करने वाले हैं। तो ये स्टेप्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये देखिए। फर्स्ट स्टेप में अपन करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ टैंक। यानी कि टैंक जो अपन डिजाइन करेंगे उसका डायमेंशन क्या क्या होगा, ये अपन फर्स्ट स्टेप में देखेंगे। और सेकेंड है अपना डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस। जो टैंक अपने को डिजाइन करना है उस टैंक में थिकनेस क्या क्या रहेगा। थिकनेस सिलेंड्रिकल पोर्शन का डिजाइन करेंगे, उसके बाद हेमिस्फेरिकल का और कॉनिकल पोर्शन का। यानी कि टैंक आपको ऐसा दिखेगा, हेमिस्फेरिकल बॉटम है तो हेमिस्फेरिकल बॉटम ऐसे रहेगा और ये वाला पोर्शन सिलेंड्रिकल है और ऊपर में ये कोन बन रहा है। इस टाइप का आपको सिलेंडर डिजाइन करना है। डायग्राम दिया हुआ नहीं है आपको, आपको इस टाइप का टैंक डिजाइन करना है। और थर्ड स्टेप आता है डिजाइन ज्वाइंट ऑफ टैंक। टैंक जो ज्वाइंट होगा, मतलब कि यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, देखिए ज्वाइंट ज्वाइंट यानी कि कौन सी ज्वाइंट की हम इसमें बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि हाइट इसका सिलेंड्रिकल वाले पोर्शन का 5 मीटर है, तो यहाँ पर देखिए 5 मीटर का एक ही आपको प्लेट तो नहीं मिल जाएगा। प्लेट का साइज आता है 1 मीटर का, मान लो 1.2 मीटर, 1.25, 1.5 मीटर। तो इतने इतने हाइट के प्लेट को आपको जोड़ना है। तो जो 2 या 3 प्लेट को जोड़ करके आप इतने हाइट पर पहुंचाओगे, उस प्लेट को ज्वाइंट करने के लिए जो ज्वाइंट पे होगा उस ज्वाइंट को अपन इसमें डिजाइन करेंगे। और उसके बाद आता है ये अलग अलग, सिलेंड्रिकल के केस में अलग और हेमिस्फेरिकल के केस में अलग, इसका 2 केस बनेगा। उसके बाद स्टेप 4th में जब आते हैं, कनेक्शन ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉटम टू सिलेंड्रिकल बॉटम। ये देखिए ये जो आपको यहाँ पर सिलेंड्रिकल पोर्शन दिख रहा है, इसके इसमें जो कनेक्ट करेंगे इस वाले पोर्शन को, हेमिस्फेरी वाले को, तो यहाँ इस कनेक्शन में कैसे करेंगे कनेक्शन, इस कनेक्शन को अपन डिजाइन करेंगे स्टेप 4th में। तो चलिए बढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेप देखते हैं। तो ये स्टेप्स देखने से पहले सबसे पहले आपको एक बेसिक फॉर्मूला बता दूं, यदि आपको नहीं पता हो तो ये लिख ले। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर π/4d²h। अगर कोई सिलेंडर दिया हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना हो तो π/4d²h। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr². ये चीज आपको यदि याद नहीं हो तो लिख ले। और इसमें आपको कोड लगने वाला है ये IS 2019-84 और IS 805-1968। यदि आपको ये आपके पास कोड नहीं भी है तो बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट है, वो आप डायरेक्ट याद भी रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये कोड की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको डायरेक्ट, लेकिन यहाँ से अपन डेटा कुछ लिए हैं इसलिए कोड के बारे में बता दिया। तो चलिए फर्स्ट स्टेप में अपन आते हैं। फर्स्ट स्टेप है अपना, सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ टैंक। तो सबसे पहले ऊपर में देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन आपके पास दिया हुआ है कैपेसिटी ऑफ टैंक। ये कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना, 250 किलोलीटर दिया हुआ है। 250 किलोलीटर को अपन यदि लीटर में बदलते हैं तो 10^3 से इंटू करना पड़ेगा। अब 10^3 से इंटू किए तो ये लीटर में चेंज हो गया। अब मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए इसमें 10^3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ गया 250 मीटर क्यूब। अब फर्स्ट स्टेप है अपना डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ टैंक। ये देखिए एक रफ डायग्राम आप बना ले, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है ये, और ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन और ऊपर में ये कॉनिकल रूफ। अपन ये कैपिटल एच मानते हैं ये सिलेंड्रिकल वाले को, ये एच डैश, और ये जो डायमीटर रहेगा यहाँ पर ये तो यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है हेमिस्फेरिकल का, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक d/2। अब यदि डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ टैंक की बात करें फर्स्ट स्टेप में अपन,
तो देखिए वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सेल, ये सिलेंड्रिकल सेल यानी कि ये वाला सेल प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉटम, ये वाला वॉल्यूम, यानी कि वाटर जो बराबर रहेगा आपको, वाटर यहाँ तक रहेगा कॉनिकल वाले पोर्शन में तो रहेगा नहीं, इसलिए इसका वॉल्यूम नहीं लिए है, मतलब वाटर क्या यहाँ तक फिल होगा। अगर यदि आपको, अगर यदि फ्री बॉड अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तो फ्री बॉड के लिए आपको इस एच में से माइनस कर देना है थोड़ा, जितना भी फ्री बॉड दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको फ्री बॉड नहीं दिया हुआ है तो नहीं लेंगे अपन। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉटम। अब चलिए बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक मान लिए भी और सिलेंड्रिकल पोर्शन का, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम क्या होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर एच, ये आपको अभी मैं बताया था। और प्लस में हेमी स्फेरिकल की बात करें तो देखिए, देखिए हेमी स्फेरिकल में क्या हो जाएगा, स्फेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर के बदले में यहाँ लिखा हूँ डी बाई टू का क्यू, आर को अपन क्या लिख सकते हैं डी बाई टू का क्यू। अब पूरे स्फेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, अगर यदि हेमी स्फेयर है आधा स्फेयर है तो ये 1/2 इसलिए कर दिए, तो ये आपको फॉर्मूला हो गया। अब अपन क्या करते हैं, अपन एज्यूम कर लेते हैं एच जो है, एज्यूम हाइट ऑफ सिलेंडर सिलेंड्रिकल सेल इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ टैंक, यानी कि ये जो डायमीटर है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इसका 0.8 टाइम्स है एज्यूम कर लिए। आपको चाहिए, आपको अगर यदि मन हो तो एच इक्वल टू डी भी एज्यूम कर सकते हो, आपको अगर मन हो तो एच इक्वल टू डी भी एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एच इक्वल टू 0.8 डी जब एज्यूम किए हैं तो ये देखो जहाँ जहाँ एच है वहाँ पर 0.8 डी रख दूँ। देखो वॉल्यूम अपना कितना था 250, तो 250 रख दिए पाई बाय 4 ये डी स्क्वायर और ये एच के बदले यहाँ रखे 0.8 डी, फिर 1/2 4/3 पाई और डी बाई टू का क्यू। अगर यदि अपन इसको देखो क्या किए पाई बाय 4 इसको अगर यदि सॉल्व किए इतना को तो ये आपको क्या आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद 0.6283 डी क्यूब और इसको यदि सॉल्व किए तो प्लस में 0.2618 डी क्यूब, अगर दोनों को ऐड किए तो ये आया 0.8903 डी क्यूब, यहाँ से डी का वैल्यू आ गया 6.55 मीटर, मीटर में आया 6.55। हेंस ये डी का वैल्यू आ गया, तो अपन यहाँ देखो डी का वैल्यू आ गया तो एच क्या माने थे 0.8 डी, तो यहाँ से एच आ जाएगा 0.8 × 6.55 = 5.24। अब मान लो एच डैश क्या होता है, डी बाई फोर होता है, जो डायमीटर एच डैश यानी कौन सा, ये कॉनिकल वाले सेक्शन का जो एच डैश होता है डी बाई फोर लेंगे अपन, तो 6.55/4 ये हो गया 1.64। यहाँ पर क्या किया अपन ने, साइज ऑफ टैंक निकाल लिए, यानी कि डायमीटर पता चल गया, हाइट पता चल गया और कॉनिकल सेक्शन का भी अपन ने हाइट एज्यूम कर लिया है। अब सेकेंड स्टेप अपना आता है डिटरमिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट, प्लेट की थिकनेस कितना होगा वो अपन डिटरमिनेट करेंगे इस वाले स्टेप में। देखिए ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है और ये क्या है हेमिस्फेरिकल पोर्शन, इसका डायमीटर कितना 6.55 आया और ये वाला हाइट सिलेंडर का हाइट कितना आया 5.24, ये एच डैश कितना 1.64, ये डायमेंशन आप फर्स्ट स्टेप में निकाल चुके हैं। तो चलिए आते हैं जब थिकनेस की बात करें तो सबसे पहले ये वाला सिलेंड्रिकल पोर्शन में थिकनेस कितना लेंगे वो एज्यूम कर, वो अपन निकालते हैं क्या है सिलेंड्रिकल सेल में थिकनेस ऑफ प्लेट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हुप स्ट्रेस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हुप स्ट्रेस क्या होता है, तो हुप स्ट्रेस आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सेकेंड सेम या थर्ड सेम में जब आया होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो उसमें पढ़ चुके होंगे हुप स्ट्रेस, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने वहां नहीं पढ़ा, चलिए हुप स्ट्रेस मैं आपको अभी बता दूंगा। तो हुप स्ट्रेस में थिकनेस इक्वल टू होता है ये गामा एच यानी कि पीडी वहां पर हो रहा था 2N σ at। देखिए यहां पर क्या है कि गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर है और ये एच जो है हाइट है और डी डायमीटर है और एन क्या है एफिशिएंसी है, सिग्मा एटी क्या है हुप स्ट्रेस है। अब आपको ये फॉर्मूला कहां से आया है आप चाहे तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, नहीं तो ये फॉर्मूला कहां से आया वो मैं अभी डेराइव करके बताता हूं। ये देखिए हुप स्ट्रेस का मतलब ये होता है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। अगर यदि मान लो कि ये कोई सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर में आपको मान लो अंदर से क्या है वाटर भरा हुआ है, तो वाटर क्या कर रहा है
अंदर ही अंदर चारों तरफ सर्कमफेरेंस के अबाउट में ये प्रेशर लगा रहा है। यानी कि ऐसा, यदि आपको यहाँ पर दिख रहा हो, अगर टॉप व्यू ऐसा दिखे, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे हर एक वॉल पे, इसके टैंक के वॉल पे ऐसा प्रेशर लगाएगा। तो ऐसा प्रेशर जब लगाएगा सर्कमफेरेंस के अबाउट में, तो सर्कमफेरेंशियल, तो ये वाले स्ट्रेस को अपन क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। इसमें क्या होगा, इसके इफेक्ट से होगा क्या, यदि मान लो कि इसका जो आपको स्ट्रेस है, मतलब कि सहने की क्षमता सिलेंडर का कुछ है, और प्रेशर अगर यदि ज्यादा हो जाए, प्रेशर अंदर से ज्यादा हो जाए, तो ये ऐसे फटेगा। ये वाला डायग्राम में आपको दिख रहा है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन मतलब बनाए तो ये ऐसा दिखेगा। तो देखो यहां पर क्या है, प्रेशर कैसे लग रहा है, ऐसे ऐसे प्रेशर लग रहा है। और देखिए स्ट्रेस कहाँ पर आ रहा है, स्ट्रेस किस पोर्शन पे आ रहा है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस किस पोर्शन पे आ रहा है, आप ये देख रहे हो। यदि पूरा का पूरा जो प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर में क्या हो रहा है, इस वाले पोर्शन इसको पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, रेजिस्ट कर रहा है, ये वाला थिकनेस वाला पोर्शन। ये जो थिकनेस आपको दिख रहा है ना, ये थिकनेस इसको पूरे प्रेशर को पकड़ के रखा है, बाहर नहीं जाने दे रहा है। तो स्ट्रेस कहाँ पर जनरेट होगा, इस वाले पोर्शन में। चलिए ये तो आपको पता चल गया कि इस वाले पोर्शन में स्ट्रेस जनरेट होगा। अब बात करते हैं कि टोटल प्रेशर अलोंग द डायमीटर ऑफ सेल। तो टोटल प्रेशर क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इनटू एरिया। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ये मान लो कि पी है, तो देखो पी इंटू एरिया कौन सा लेंगे, डी इंटू एच, यानी प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, प्रेशर तो यहां से ऐसे लग रहा है ना, देखो यहां से इस वाले पोर्शन में लग रहा है, इस वाले पोर्शन में प्रेशर लग रहा है, तो प्रोजेक्टेड एरिया इसका क्या है, ये देखो ये डायमीटर डी इंटू एच, यानी कि ये जो पूरा सिलेंडर है, तो यहां से लेकर के प्रेशर यहां तक लग रहा है ना, यहां से लेकर के यहां तक प्रेशर लग रहा है, यहां से देख लो ना आप। तो ये हो गया पी इंटू डी इंटू एच, एरिया हो गया डी इंटू एच। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या होता है, टोटल प्रेशर अपॉन में रेजिस्टिंग सेक्शन एरिया, मतलब जो सेक्शन उसको रेजिस्ट कर रहा है, उस सेक्शन का एरिया। तो रेजिस्ट कौन सा सेक्शन कर रहा है आपको, ये देखो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, मतलब अंदर में दिख नहीं रहा, तो ये वाला जो थिकनेस वाला पोर्शन है, ये एरिया इसको रेजिस्ट कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा आपको, एरिया एच इंटू टी, एच इंटू टी, और ये है एक और ये एक, दो वाला पोर्स दोनों साइड से है, तो इसलिए रेजिस्टिंग सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, टू इंटू टी इंटू एच, और टोटल प्रेशर क्या था, पी डी एच। तो ये एच से एच कैंसिल हुआ, तो ये बचा कितना, सिग्मा सी इक्वल टू पी डी अपॉन में टू टी। अब आपको ये पी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। देखो आपको एक चीज याद होगा, इससे पहले सेम में आपने पढ़ा था डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो डीएचएस में आपने क्या देखा होगा कि डैम जब आप डिजाइन कर रहे थे, तो वहां पर यदि मान लो इधर से वाटर का प्रेशर आ रहा था, इधर से वाटर का प्रेशर आ रहा था, तो इसके वजह से क्या हो रहा था, रो इंटू जी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, रो या रो को गामा से भी कहीं कहीं डिनोट करते हैं, तो गामा इंटू जी होता था इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो अब अपन क्या करते हैं, सिग्मा सी इक्वल टू पी डी अपॉन में टू टी। तो पी को अपन क्या लिख देते हैं यहां पर, देखो पी के बदले गामा एच लिख दिए, ये सॉरी यहां पर ये रो जी नहीं, रो एच था, ये रो एच था गामा एच। तो देखो यहां पर क्या है, अपन गामा एच लिख देते हैं, गामा एच इंटू डी अपॉन में टू एन टी, यदि एन इज द एफिशिएंसी ऑफ रिवेट ज्वाइंट, अगर ज्वाइंट में एफिशिएंसी एन हो, तो ये हो जाएगा एन नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया आपको देखो गामा एच डी अपॉन में टू एन टी। अब ये वाला फॉर्मूला आप मैच करो यहां से, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से टी इधर रख लो और ये वाला सिग्मा सी को इधर भेज दो, तो ये बन गया फॉर्मूला गामा एच डी अपॉन में टू एन सिग्मा ए टी। तो देखो गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, 9.81 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन पर mm³। ये क्या होता है, अगर यदि किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब की बात करें, तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, जिसको अगर देखो किलो न्यूटन को अगर यदि मीटर में बदले, किलो न्यूटन को न्यूटन में बदले, तो 10^3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और नीचे में मीटर क्यूब को अगर यदि mm³ में बदले, तो 10^3 उसका क्यूब। तो देखो नीचे हो जाएगा 10^9, ऊपर तो ऊपर ये हो जाएगा, तो 3 से 9 कैंसिल होगा, तो 1/10^6, इसीलिए 10^-6 ऊपर दे करके यहाँ पर ये लिख दिया हूँ।
एच का वैल्यू कितना है 5.25, सिलेंड्रिकल पोर्शन की बात कर रहे हैं अपन, सिलेंड्रिकल पोर्शन में एच कितना है 5.24, एमएम में चेंज करेंगे 10 की पावर 3, और डायमीटर कितना है 6.55 × 10 की पावर 3 mm, और एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी 75% ले लेते हैं ज्वाइंट एफिशिएंसी। अब यहाँ पर देखो सिग्मा एटी क्या है, हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस अपने को कोडल प्रोविजन है कि इसमें 0.6 × FY होता है, 0.6 FY, और यदि हम वाटर टैंक की बात करें पर हुप स्ट्रेस तो इतना होता है, अब अगर यदि पर्टिकुलर वाटर टैंक की बात करें तो कोड में लिखा हुआ है आपको कि उसका 80% अपन इसमें लेते हैं, यानी कि फैक्टर इसमें इंटू करना पड़ता है 0.8 से, तो 0.8 से मल्टीप्लाई किए तो 0.8 × 0.6 × FY, FY का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 250, अगर यदि ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो आप एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ ये वाला वैल्यू आ गया 120। अब ये पूरा वैल्यू इसमें पुट करो, देखो गामा का वैल्यू 9.81 × 10 की पावर -6, और एच की वैल्यू 5.24 × 10 की पावर 3, और डी की वैल्यू 6.55 × 10 की पावर 3 अपॉन में 2, एफिशिएंसी 0.75 इंटू सिग्मा एटी कितना है 120। तो इसको जब सॉल्व किए तो देखो 10 की पावर -6 से यहां पर क्या था 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 ये कैंसिल हो गया, तो बाकी को आप कैल्सियम में सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.87 mm। ये तो थिकनेस आया हुप स्ट्रेस के कारण, हुप स्ट्रेस से अपन थिकनेस निकाल लिए, इसमें 1.5 mm ऐड करेंगे कोरोजन के लिए, तो ये हो गया 1.87 + 1.5, तो ये हो गया 3.37 mm। अब कोड में ये लिखा हुआ है, कोडल प्रोविजन ये है कि वाटर टैंक का थिकनेस 6 mm से कम नहीं होना चाहिए, वाटर टैंक का थिकनेस 6 mm से कम नहीं होना चाहिए, ये आपको किस में मिलेगा कोड, ये आपको मिल जाएगा 805/1968 में, आपको वो कोड देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मान के चलो कि 6 से कम नहीं होना चाहिए थिकनेस। तो इसमें क्या करेंगे, हाउएवर प्रोवाइड ए मिनिमम थिकनेस ऑफ 6 mm थ्रू आउट द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल सेल पोर्शन, सिलेंड्रिकल सेल पोर्शन में 6 mm थिकनेस अपन प्रोवाइड करेंगे। अब आते हैं इन हेमी स्फेरिकल पोर्शन, तो हेमी स्फेरिकल पोर्शन के लिए थिकनेस का फॉर्मूला क्या बनेगा, गामा एच डी अपॉन में 4 n σ 80। तो यह फॉर्मूला आपको याद तो होगा नहीं, पुराना भूल गए होंगे, तो चलो फिर से अपन हम डिराइव करके बता देते हैं। ये देखो क्या है कि ये अगर हेमी स्फेरिकल है तो इसमें प्रेशर ऐसे लगेगा, प्रेशर कितने वाले में लगेगा, प्रेशर सर्कुलर शेप में लगेगा, प्रेशर जो लग रहा है वो सर्कुलर शेप में लग रहा है, तो प्रेशर टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, सर्कुलर पी इंटू सर्कुलर का एरिया, तो पाई बाय 4 × d², ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि उसका रेजिस्टिंग एरिया क्या है, रेजिस्ट कौन सा एरिया करेगा। देखो अगर यदि ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यदि मान लो कि ये कोई स्फेरिकल है, अब वो अगर ये दोनों पार्ट अलग होगा तो उस बीच में अगर प्रेशर लग रहा है तो इस वाले पोर्शन उसको रेजिस्ट करेगा, ये वाला थिकनेस वाला पोर्शन। अब बात देखो ये जो लाइन लाइन डॉट डॉट कर रहा हूं मैं, ये वाला पोर्शन उसको रेजिस्ट करेगा, मतलब कि आपको ये वाला एरिया आपको लेना है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखो इसको अगर यदि यहां से कट कर दो तो यहां से कट कर दो तो ये फैल जाएगा, तो ये ऐसे फैलेगा इसका जो, ये देखो अब ये रेक्टेंगुलर टाइप का दिख रहा है, अब ये रेक्टेंगुलर टाइप का जब दिख रहा है तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, जो इसका परिधि होगा, पेरीमीटर होगा जो इसका, तो परिधि क्या होता है वृत्त का, ये पाई डी, तो पाई डी और एरिया लेंगे तो पाई डी इंटू टी थिकनेस, पाई डी इंटू थिकनेस। अपन यहां पर क्या किए, सिग्मा इक्वल टू ये टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर यानी पी इंटू पाई बाय 4 d² अपॉन में ये वाला एरिया पाई डी टी इक्वल टू ये हो गया पी डी अपॉन में 4 t। अगर एफिशिएंसी हो ये तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा इक्वल टू पी डी अपॉन में 4 n t। अब पी इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर गामा एच, तो ये बन गया फॉर्मूला गामा एच डी 4 n t। यहां से आप यदि टी को इधर लिखोगे, ये सिग्मा है तो ये टी को इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा गामा एच डी अपॉन में 4 n σ, ये देखो यही बना, टी इक्वल टू गामा एच इंटू डी अपॉन में 4 n σ 80,
ये हेमी स्फेरिकल के केस में हो गया। अब हेमी स्फेरिकल का क्या हो जाएगा, एक्चुअली इसमें एच कौन सा लेना है वो देखिए, वो प्रेशर किस वजह से आ रहा है, ये इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जहां तक वाटर है, ये जो वाटर का प्रेशर है यहां तक है, तो वाटर कहां तक है, तो ये यहां तक है वाटर भरा हुआ है, तो ये वाला हाइट अपने को लेना है, क्योंकि ये एक्चुअली फॉर्मूला तो था क्या, पी डी अपॉन में 4n σ at। तो पी इक्वल टू क्या ले रहे हैं, गामा इंटू एच, पी इक्वल टू ले रहे हैं गामा इंटू एच। तो एच यहां पर कौन सा लेगा, जहां तक वाटर भरा हुआ है वो वाला पूरा प्रेशर रहेगा। तो यानी कि जहां तक वाटर भरा हुआ है लेंगे डिस्टेंस कहां से, ये बॉटम से, बॉटम से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एच प्लस डी बाई टू, ये डी बाई टू है, तो हो जाएगा 5.24 प्लस में 6.55 अपॉन में 2 इक्वल टू 8.52 मीटर। तो ये वाला वैल्यू अगर यदि इसमें पुट करते हैं तो गामा सॉरी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा का वैल्यू कितना है, 9.81 × 10⁻⁶, और एच का वैल्यू ये निकल गया है 8.52 × 10⁻⁶ में चेंज कर रहे हैं, तो 10³ और ये डायमीटर डी है, तो 6.55 × 10³ अपॉन में ये देखिए 4, एफिशिएंसी 0.75 और सिग्मा 80, तो 120 निकाले हैं, ये वाला वही रखना इसमें भी, तो ये आ गया 1.52 mm। अब इसमें भी क्या करते हैं, 1.5 mm यदि कोरोजन के लिए ऐड करते हैं तो थिकनेस हो गया 1.52 प्लस 1.5 इक्वल टू 3.02, जो कि 6 mm से कम है, 6 mm से कम है, लेकिन कोडल प्रोविजन ये है कि 6 mm से थिकनेस कम नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, हाउएवर प्रोवाइड ए मिनिमम थिकनेस ऑफ 6 mm प्लेट, अपन प्रोवाइड करेंगे 6 mm का प्लेट इसमें। अब क्या है कि हेमिस्फेरिकल पोर्शन और सिलेंड्रिकल पोर्शन का थिकनेस अपन निकाल चुके हैं, अब बात करते हैं ये कॉनिकल सेक्शन का। तो देखो कॉनिकल पोर्शन में अपन क्या करेंगे, 6 से थोड़ा कम करके 3 से लेकर के 5 तक में कुछ अपन एज्यूम कर सकते हैं, 3 कोड में ऐसा लिखा हुआ है कि 3 से 5 एमएम थिकनेस इसका होना चाहिए, 3 से 5 एमएम थिक। तो अपन इसमें क्या करते हैं, 5 एमएम थिकनेस प्रोवाइड कर दिए इस प्लेट में, तो तीनों का थिकनेस निकल गया, पूरे सेक्शन का थिकनेस अपन निकाल चुके हैं। अब थर्ड स्टेप अपना आता है डिजाइन ऑफ ज्वाइंट ऑफ टैंक, डिजाइन ज्वाइंट ऑफ टैंक यानी कि टैंक जिस जिस प्लेट से बनेगा उस प्लेट के बीच का ज्वाइंट, यानी कि अगर सिलेंड्रिकल की पोर्शन की बात करें केवल सिलेंडर की, तो सिलेंडर एक ही प्लेट से तो नहीं बन जाना है, इसमें बहुत सारे प्लेट जोड़ना पड़ेगा, मान लो कि 1 मीटर 1 मीटर का प्लेट जोड़ना पड़ेगा, तो 4-5 प्लेट आपको जोड़ना पड़ेगा हाइट में, तो उस प्लेट के बीच में जो ज्वाइंट आएगा उस ज्वाइंट में कैसा रिवेट रहेगा, उसका डायमीटर क्या रहेगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, वो अपन इस स्टेप में डिजाइन करने वाले हैं। तो अपन चलिए सबसे पहले आते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 16 mm डोमिनल डायमीटर फील्ड ड्राइवन पावर ड्राइवन, फील्ड ड्राइवन को ही पावर ड्राइवन बोलते हैं, आर यूज्ड फॉर लेफ्ट ज्वाइंट इन द फॉलोइंग, मतलब कि अपन 16 mm डोमिनल डायमीटर का रिवेट एज्यूम कर लिए। अब यदि फर्स्ट अपन करते हैं बात सिलेंड्रिकल सेल की, तो सिलेंड्रिकल सेल में क्या होगा कि पिच ऑफ रिवेट क्या होता है, 2 × रिवेट वैल्यू यानी आरवी अपॉन में हुप स्ट्रेस पर लिनियर वर्टिकल हाइट, ये चीज अभी आपको निकाल के बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखो रिवेट वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, तो रिवेट वैल्यू के लिए ये हुआ है, रिवेट वैल्यू आर बी इज द लिस्ट ऑफ शियरिंग एंड बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, जो रिवेट अपन यूज करेंगे, रिवेट जो यूज करेंगे उसमें क्या होगा, शियरिंग स्ट्रेंथ होगा कुछ और कुछ बियरिंग स्ट्रेंथ होगा, तो दोनों स्ट्रेंथ में जो मिनिमम होगा वो अपना रिवेट वैल्यू होगा। तो चलिए सबसे पहले शियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं रिवेट का, तो शियरिंग स्ट्रेंथ जब बात करते हैं, ये देखो शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पी एस इक्वल टू एरिया इंटू ये स्ट्रेस, ये कौन सा स्ट्रेस है, देखो ये तो एरिया है, ये पी एस पाई बाय 4d² इंटू टॉबियर, टॉबियर क्या है, शियर स्ट्रेस ऑफ रिवेट है, शियर स्ट्रेस ऑफ रिवेट है। तो देखो यहां पर क्या है, डिनोट होल डायमीटर ऑफ रिवेट, तो होल का डायमीटर क्या कैसे निकालेंगे, देखो ये 16 क्या अपन माने हैं, 16 mm डायमीटर का रिवेट अपन एज्यूम किया है, तो इसमें होल के लिए 1.5 ऐड करना पड़ता है, तो 17.5 आ गया। अब एलोवेबल या परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ रिवेट क्या हो जाएगा, टॉप वीएफ ये 100 N/mm², ये चीज आपको कोड में मिल जाएगा, कौन सा कोड, कोड का नंबर देख लो आप, सामने लिखा हुआ है
देखो अगर यदि वहां बस एक चीज के लिए आप कोड परचेज मत करना, ये चीज डायरेक्ट आप याद रख लो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये कोड देखो IS 2019-84 में पेज नंबर 95 पे मिलेगा, वो टेबल ये देखो आपको पेज पर बना करके मैं दिखा दिया, वहां पर ये टेबल बना हुआ है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट, आप चाहो तो इस टेबल को लिख सकते हो। देखो इसमें क्या है, पावर ड्राइवन के लिए एक्सियल टेंशन कितना 100 होता है, शियर 100 होता है, और बियरिंग स्ट्रेस कितना है 300, और हैंड ड्राइवन के लिए 80 और 250, ये आप लिख सकते हो। तो अपने को क्या लेना है, पावर ड्राइवन यूज करना है, तो ये आप ये 100 और 300 तो डायरेक्ट बस दो याद रखो, आपको काम चल जाएगा। तो देखो ये टॉप ईयर क्या है 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब उसमें बट वर्किंग शियर स्ट्रेस कोडल प्रोविजन है ये आपको, कि ये जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस होगा, परमिसिबल शियर स्ट्रेस का 0.8 इंटू करना पड़ेगा आपको वाटर टैंक के लिए, क्योंकि वाटर टैंक में क्या होता है, कुछ कोरोजन होता है, कोरोजन में कुछ खराब होने का चांस ज्यादा रहता है, इसलिए इसका परमिसिबल स्ट्रेस को 80% मतलब कि 20% डिक्रीज कर देते हैं। ऐसा कोड के पेज नंबर 5 में लिखा हुआ IS 805, पेज नंबर 5 में लिखा हुआ IS 805 1968 में, इस कोड को आप पेज नंबर 5 में देखेंगे तो ये चीज आपको मिल जाएगा, देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखो। देखो यहां पर क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेंथ जब निकालेंगे तो पाई बाय 4 डी क्या निकाले 17.5 का स्क्वायर किए, और टॉप ई एफ क्या हो गया देखो 0.8 इंटू 100, तो ये आपको आ गया 19242.255 न्यूटन। अब क्या करते हैं, बियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो जब बियरिंग स्ट्रेंथ की बात करें, एक्चुअली मैं आपको ये बता देता हूँ कि शियरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ में अंतर क्या है। अगर यदि मान लो कि ये दो प्लेट है, ये देखो ये अगर दो प्लेट है, इनको जोड़ना है, मान लो ऐसा लगाया रिवेट ऐसा लगा, ये इससे ज्वाइंट किए, तो शियरिंग स्ट्रेंथ जो आएगा वो ऐसे आएगा, शियरिंग स्ट्रेंथ कैसे आएगा, यहाँ पर ऐसे लगेगा, लेकिन बियरिंग स्ट्रेंथ जो आएगा वो ऐसे आएगा, ये ऐसे। शियरिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, दो प्लेट के बीच में ऐसे आएगा, लेकिन बियरिंग स्ट्रेंथ ऐसा आएगा, इसलिए यहाँ पर देखो शियरिंग के केस में क्या होता था, एरिया लिए पाई बाय 4 डी स्क्वायर मतलब सर्कुलर एरिया लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बियरिंग स्ट्रेंथ में डी नॉट इंटू टी ले लेंगे, जो थिकनेस रहेगा प्लेट का, थिकनेस इंटू ये डायमीटर इंटू सिग्मा पी एफ। तो सिग्मा पी एफ क्या है, बियरिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, ये देखो ये परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस क्या लिखा हुआ है 300, तो अपन यहां से 300 ले लिए हैं ये। अब बट वर्किंग बियरिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इसका 0.8 इंटू हो जाएगा, 0.8 इंटू 300, ये वही कोड नंबर पेज नंबर 5 में जो आपको बताया था वो 805 1968 में। यहां से आपको पी बी क्या आ जाएगा, डी नोट कितना है 17.5 और थिकनेस है 6, और ये सिग्मा पी एफ का वैल्यू मतलब कि ये वाला 0.8 इंटू 300, तो ये आपको आ गया पी बी इक्वल टू 25,200 न्यूटन। नो एडॉप्ट लिस्ट वैल्यू ऑफ रिवेट, मतलब कि बियरिंग स्ट्रेंथ जो आया, बियरिंग स्ट्रेंथ कितना आया 25,200, और शेयरिंग स्ट्रेंथ आपको कितना आया था 19242.25, तो रिवेट वैल्यू क्या होगा दोनों में जो मिनिमम होगा, तो मिनिमम क्या है ये वाला मिनिमम है, तो ये अपन एडॉप्ट कर लिए, तो आरबी इक्वल टू हो गया 19242.255। एंड हुप स्ट्रेस पर लिनियर वर्टिकल हाइट, हुप स्ट्रेस जो अपन अभी निकाले हैं, हुप स्ट्रेस क्या होगा इसमें पर लिनियर वर्टिकल हाइट, यानी कि इसमें थिकनेस आप हटा दो, क्या होता है वहां पर क्या था, सिग्मा इक्वल टू गामा एच डी अपॉन में 2n, यहां पर एफिशिएंसी नहीं लेना है आपको, इंटू टी, तो ये पर थिकनेस की बात कर दिया, मतलब कि पर वर्टिकल हाइट की बात कर दिया, तो यानी कि आपको इसमें थिकनेस कंसीडर नहीं करना है। तो यहां से अगर यदि इसको एज्यूम कर लिए f1, तो ये f1 क्या हो जाएगा, गामा एच डी अपॉन में 2, गामा एस डी अपॉन में 2, तो ये गामा का वैल्यू 9.81 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 6 और एच की वैल्यू 5.24, ये वाला
ये सिलेंड्रिकल पोर्शन की बात कर रहे हैं अपन। अपन क्या कर रहे हैं, अपन सबसे पहले अपन अभी क्या है सिलेंड्रिकल सेल का डिजाइन कर रहे हैं। तो सिलेंड्रिकल सेल में आपको यह हाइट लेना 5124, डायमीटर 6.55 × 10³। इसको सॉल्व किया तो यह आया 168.35 न्यूटन पर एमएम। अब पीच ऑफ रिबेट का फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुका हूं। पीच ऑफ रिबेट का फॉर्मूला ये है, ये पीच ऑफ रिबेट 2 × रिबेट वैल्यू आरबी अपॉन में हुप स्ट्रेस पर लीनियर वर्टिकल हाइट। तो पर लीनियर वर्टिकल हाइट के लिए ये F1 निकल गया, ये 168, तो ये पीच वैल्यू आ गया 2 × आरबी अपॉन में F1। तो ये वैल्यू दिए 2 × 19242.255 अपॉन में 168.35, तो ये आ गया 228.60 mm। बट यहां पर देखो क्या है पीच वैल्यू, मतलब कि पीच वैल्यू सॉरी यहां पीच मतलब क्या समझ रहे हो आप, ये कोई प्लेट है तो यहां पर रिवेट है या बोल्ट है मान लो ये और ये, तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ये होता है पीच। तो ये पीच कोड में आपको लिखा हुआ है कि 10 × 6 या 12 × 6। देखो यहाँ अकॉर्डिंग टू कोड IS 805/1968 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पीच ऑफ रिवेट, मैक्सिमम पीच यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो दिया हुआ है कोड में IS कोड 805/1968 में पेज नंबर 9 में दिया हुआ है, यहां दिया हुआ 10T फॉर सिंगल रिवेटेड ज्वाइंट, यानी कि ये हो सकता है ज्वाइंट ऐसा करो आप यहां, या फिर ज्वाइंट डबल रो में एक से ज्यादा रो में। तो इसमें सिंगल रो में अगर रिवेट ज्वाइंट करोगे तो उसके लिए 10T मैक्सिमम है, और यदि मोर देन वन रो यानी कि ये दो रो का है डबल रो है, अगर यदि ऐसे ऐसे करोगे वन से ज्यादा रो में अगर करोगे तो 12T से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पर ये काफी ज्यादा हो रहा है तो अपन ये अडॉप्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे हैंस मैक्सिमम पीच इक्वल टू 12 × 6 = 72 मीटर। अब हाउ यूर फॉर हॉरिजेंटल ज्वाइंट प्रोवाइड डबल रो रिवेटेड ज्वाइंट यूजिंग 16 mm डायमीटर। अपन क्या करेंगे इसमें 16 mm डायमीटर का रिवेट अपन प्रोवाइड करेंगे जिसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा 72 mm। ये आपको क्या हो गया डिजाइन सिलेंड्रिकल पोर्शन। अब अपन बात करते हैं स्फेरिकल में। अब हेमिस्फेरिकल की बात करें तो हेमिस्फेरिकल में क्या होता है F2, वहां पर क्या था सिलेंड्रिकल में देखो ये गामा एच डी अपॉन में 2, इसमें क्या करना है हेमिस्फेरिकल में क्या करना है गामा एच डी अपॉन में 4। देखो हुप स्ट्रेस पर यूनिट लेंथ इन रेडियल ज्वाइंट F2 इक्वल टू गामा एच डी अपॉन में 4, यहां पर एच क्या हो जाएगा H+D/2 यानी कि ये जो है आपको यहां से लेकर के यहां तक का हाइट लेना है, तो यहां से लेकर के यहां तक का हाइट 8.52 आया। अब ये वाला वैल्यू इसमें रखे तो गामा का वैल्यू 9.81 × 10⁻⁶ और एच की वैल्यू 8.52 × 10³ और डी की वैल्यू 6.55 × 10³ दिए अपॉन में 4 किए तो 136.86 आया न्यूटन पर एमएम। अब पिच निकालेंगे पिच ऑफ रिवेट, तो देखो आरबी क्या होगा, आरबी इससे पहले जो निकाल चुके हैं ये एक्चुअली आरबी जो निकला है वो किस चीज के लिए निकला है, आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी वही आरबी क्यों यूज करेंगे, तो ये जो आरबी निकला है वो रिवेट के लिए। तो रिवेट तो दोनों में सेम ही है, इसमें भी उतना ही 16 mm डायमीटर का यूज कर रहे हैं हेमिस्फेरिकल में भी, तो रिवेट का वैल्यू जो है वही होगा। तो रिवेट का वैल्यू ये देखो ये पीच निकल गया 2 × रिवेट वैल्यू कितना 19242.255 अपॉन में 136.86 इक्वल टू ये आ गया 281। ये भी देखो बहुत बड़ा वैल्यू है पिच का, लेकिन पिच कितना होना चाहिए मैक्सिमम 12 × t, 12 × t मतलब कि 12 × 6 थिकनेस यहां पर अपना क्या क्या है 6 है, तो ये आ गया अपना 72 mm। हेंस वी प्रोवाइड डबल रो रिवेटेड ज्वाइंट एट 72 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अपन 60 mm रिवेटेड ज्वाइंट प्रोवाइड करेंगे जिसका डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर रहेगा 72 mm। स्टेप फोर्थ में अगर यदि आते हैं अपन, थर्ड स्टेप अपना हो गया, इसमें ज्वाइंट पे कितना रिवेट लगेगा कितना mm का और उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा वो अपन ने निकाल चुके।
अब फोर्थ है अपना कनेक्शन ऑफ हेमी स्फेरिकल बॉटम सेल विथ सिलेंड्रिकल सेल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिलेंड्रिकल सेल है इसके साथ ये वाला पोर्शन जो कनेक्ट करेंगे, इस कनेक्शन को अपन ज्वाइंट करते हैं, यानी कि इसके साथ सिलेंड्रिकल वाले पोर्शन के साथ इसको ज्वाइंट करना है हेमी स्फेरिकल को। अब चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले जो पूरा टैंक होगा इसमें जो वाटर भरा हुआ है उसका वेट निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट द टोटल लोड ऑन द हेमी स्फेरिकल पोर्शन, पूरा लोड इसी पोर्शन पे आने वाला है, इसी पोर्शन पे। तो वेट ऑफ वाटर इन द टैंक, वेट कितना होगा वाटर का, कैपेसिटी ऑफ टैंक इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, यानी कि कैपेसिटी ऑफ टैंक का कितना है 250 और यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है 9.81, तो यह हो गया 2452.5 किलोन्यूटन आ गया। टेकिंग यूनिट वेट ऑफ स्टील, स्टील का यूनिट वेट आपको पता होगा वो होता है 78.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहां से क्या आ जाएगा, वेट ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट, ये वाला पार्ट जो है इसका कितना होगा वेट, वो क्या होता है वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट। तो वॉल्यूम क्या होगा आपको ये बता देता हूं, तो देखो वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट या फिर इसको रॉ बोल सकते हो। तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू थिकनेस। तो देखो एरिया क्या होता है हेमी स्फेरिकल का, सरफेस एरिया आपको बताया था 4πr². तो देखो ये पूरा कितना स्फीयर का है, तो हेमी स्फीयर का 4πr², तो अगर यदि हेमी स्फीयर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 2πr², तो 2πr के बदले क्या लिखे हैं यहां पर d/2² इंटू ये थिकनेस और इंटू क्या हो जाएगा यूनिट वेट यानी कि ये रो। तो ये आ गया आपको 2π × 6.5, डायमीटर है 6.55/2 इसका स्क्वायर इंटू थिकनेस को मीटर में चेंज किए तो 0.006 इंटू, देखो रॉ का वैल्यू कितना 78.5, तो ये आपको आ गया 31.74 किलोमीटर। अब इसमें ये जो आपको आया इसका वेट, इसमें 10% ऐड करते हैं किसके लिए, ओवरलैप के लिए। मान लो कि प्लेट से प्लेट जो ज्वाइंट होगा, इसका प्लेट और इसका प्लेट जो ज्वाइंट होगा वो ओवरलैप करेगा कहीं, तो उसमें आप 10% इंक्रीज करते हैं। तो देखो तो 10% जब इंक्रीज करते हैं तो ये आपको हो गया कितना 31.74 का 10%, तो ये हो गया 3.2 किलोन्यूटन। अब देखो टोटल वेट कितना हो जाएगा, ये वेट ऑफ वाटर मतलब कि ये प्लस में ये और ये 3.2। तो टोटल वेट ट्रांसफर्ड क्या कितना हो जाएगा, तीनों का सम 2452.5 + 31.74 + 3.2, इसको ऐड किया तो ये आया 2487.44 किलोन्यूटन। अब लोड पर mm सरकमफेरेंस क्या करेंगे एट द जंक्शन। देखो क्या हो रहा है कि ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है और ये हेमी स्फेरिकल है, तो लोड कैसा, अगर यदि टॉप से इसको देखो तो ऐसा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसके नीचे क्या है हेमी स्फेरिकल लटका हुआ है और ये सिलेंड्रिकल ऐसा है इसके नीचे, तो यहां सरकमफेरेंस का लोड पर mm, तो इसका जो डायमीटर होगा, इसका डायमीटर कितना है डी, तो इसका डायमीटर ये डी है, सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा इसका परिधि, परिधि क्या होता है पर इंटू डी, तो इसलिए पर mm ऑफ सरकमफेरेंस जंक्शन, इस जंक्शन पे सरकमफेरेंस के जंक्शन पे कितना होगा लोड, तो ये पूरा जो लोड निकाले हैं इसको सरकमफेरेंस से डिवाइड कर दिए, सरकमफेरेंस है पाय डी। तो देखो डी का वैल्यू अपन यहाँ mm में रखे, क्या था 6. डायमीटर कितना था 6.55 मीटर, तो इसको mm में चेंज किए तो 6550 हो गया, ये इसको किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर दिए तो 10^3, तो ये बन गया अपना 120.88 न्यूटन पर mm। अब यूजिंग डबल रॉ का रिवेट ज्वाइंट अगर यदि यूज करेंगे 16 mm डायमीटर का, तो ये आप पहले ही निकाल चुके हैं। देखो पिच इक्वल टू क्या होता है 2 × रिवेट वैल्यू, तो 16 mm डायमीटर के लिए रिवेट वैल्यू इससे पहले स्टेप में आप निकाल चुके हो 192.42.255, तो इसलिए वही वैल्यू यहां पर पुट किए अपॉन में इसका ये वाला जो फोर्स है 120.88, तो ये किए तो ये आ गया 318। तो ये वाला वैल्यू भी अपन देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन कोडल प्रोविजन के अनुसार क्या होता है 10T रखना है आपको या
20 टी रखना है हमेशा ये पिच का वैल्यू। तो मैक्सिमम एलोवेबल पिच कितना हो गया, 12 टी करते हैं तो 72 हो गया, यानी कि 12 इंटू 6 तो 72 mm हो गया। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट आपको मैं बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा सर्कुलर टैंक। तो आज लास्ट हो गया, तो हो सकता है तो सर्कुलर टैंक पे और भी प्रॉब्लम मैं आपको करवाऊंगा, और साथ में अगला टॉपिक होगा हमारा रेक्टेंगुलर टैंक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।